हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मिनी गेमिंग। तो मिनी गेमिंग में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA सैन एंड्रियास। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग बेलास गैंग वाले जो टैग लगाए हैं उनके टैग ऊपर हम लोग अपना टैग लगा रहे हैं। और हम पिछली बार बेलास गैंग के जो मेंबर है जो सामने वो उनसे पिट गए थे और मिशन मेरा फेल हो गया था। बट गाइस, इस बार नहीं पिटना है। मैं यार एक मस्त दिमाग लगाया हूँ। मैं इन लोगों को बिना मारे चुपचाप स्प्रे करके यहाँ से निकल जाता हूँ और ये लोग कुछ भी बोले भाई, जल्दी से यहाँ पर स्प्रे हो गया और जल्दी से यहाँ पर फटाफट भाग जाते हैं ताकि यार ये लोग मेरा पीछा ना करें। वैसे यार पीछा तो करेंगे ही, मेरे को पहचान नहीं है। और मैं वहाँ से 9 तो 11 फटाफट होता हूँ यार। कोई अबे भाई साहब खिचार मत देना। और चलो फटाफट यहाँ पर नेक्स्ट ब्लिप पर चलते हैं। वो सामने रेड वाला जो ब्लिप है वहाँ पर जाते हैं। और यार इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाऊँगा। इस बार यार फटाफट चढ़ जाते हैं। वैसे यार आई थिंक यार वो बंदे आ तो नहीं रहे। वैसे यार पहले जंप करो यार, क्यों नहीं जंप हो रहा? अबे भाई से भी देखो, चलो भाई नहीं आ रहे हैं, उधर भी देख लिया। और फाइनली हम लोग जंप कर चुके हैं। अबे यार ये बड़ा सा दरवाज़ा है, इसके ऊपर जंप करेगा कि या फिर नहीं करेगा, देखते हैं। भाई जंप तो कर रहा है वो भाई साहब, जल्दी आगे चल जा। चलो यार फाइनली जंप कर लिया और हेल्थ भी नहीं जा रहा है। एंड यार गाइस, ये जो रेक्टेंगल आ रहा है मैप में वो कहाँ पर है यार, मेरे को दिख ही नहीं रहा है। और ये बोल रहा है कि यार रेक्टेंगल के पास जाने के लिए यहाँ पर भी जंप करना पड़ेगा। मतलब कि यार जंप करते करते आज इसका जो चर्बी है ना वो कम हो जाएगा। सो गाइस फाइनली यार मिल नहीं रहा है। और ये देखो गाइस, सामने बेलास गैंग के बंदे मेरे को ढूंढते हुए आ गए यहाँ तक। जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा गाइस। अबे यार ये कौन से, ये तो मोटा वाला बंदा है। अबे भाई साहब ये देखो, कत्ते यार 10 बंदे को और बुला लाया है। मतलब कि यार पहले कम बंदे थे, अब और भी उनके पार्टनर आ चुके हैं। और ये पुलिस क्या कर रही है? फटाफट हमको यहाँ से गाड़ी लेना पड़ेगा और यहाँ से 9 2 11 हो जाना पड़ेगा। अबे यार तू निकल फटाक से, बाद में यार बोलते रहना। ओ लीव मी अलोन, जल्दी निकल भाई, अलोनी रहो, मैं तो अलोनी छोड़ दूंगा। और यहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं। वैसे गाइस इन लोगों से बाद में निपटेंगे, पहले मैं आपको चलो सैर कराता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मिशन कंप्लीट करेंगे, पहले आप लोग कहाँ चलते हैं? वैसे मार्ग तो हम लोग यहीं पर लगा लेते हैं और आपको सबसे साइड में लेकर चलते हैं। ओके, दिखाते हैं वहाँ का दृश्य आपको, बीच का दृश्य, समुद्र का किनारा, कितना मस्त मौसम होगा पता नहीं यार, वैसे मैं भी नहीं जानता हूँ। और ये जो बोर्ड पर लिख रहा है ईस्ट बीच, चलो यार वहीं पर चलते हैं। और भाई साहब वो सामने वाली बिल्डिंग में क्या ही मतलब गजब की दृश्य आ रही है वो देखो आप लोग। ये है क्या यार, जहर वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर आकर। वैसे यार फीलिंग क्या, हम लोग तो अंदर है नहीं, दृश्य ये जहर वाली आ रही है। अब और ये देखो स्टंट कर रहा बाइक वाला मेरे सामने से। और ये देखो कहते यार काफ़ी खतरनाक मौसम इधर का, देख लो गाइस एकदम मस्त मौला। रियल लाइफ में ऐसा होता तो क्या होता? वैसे रियल लाइफ में तो कहीं भी तो होगा ये ऐसा जगह। और ये क्या है जरा पढ़ते हैं भाई, लॉस सैंटोस फोरम। अच्छा भाई फोरम है, फाइनली मेरे को पता चल गया ये क्या है। सो गाइस काफ़ी घूम लिए और हम लोग वापस आ चुके हैं अपने मिशन पर। एंड यार गाइस मेरा गाड़ी को तो देख लो क्या ही हाल हुआ है। और यार वो सामने बेलास गैंग वाले अभी तक मेरा वेट कर रहे हैं। अच्छा यार एक तो मेरी गाड़ी की ऐसी तैसी, और वो देखो आई थिंक वो लोग मेरे को देख नहीं रहे हैं क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर हूँ ना, इसलिए वो लोग पहचान नहीं रहे। अबे वो बंदा आ रहा है मेरे पास, रुक गया। चलो यार उनके सामने से निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा उनको। और यार फाइनली गाड़ी से उतर जाते हैं और यहाँ पर चलते हैं अपना नेक्स्ट मिशन की ओर। ओके, नेक्स्ट मिशन मेरे पास करीबी है, जो आगे रेक्टेंगल दिख रहा है ना, नेक्स्ट डेस्टिनेशन वहीं पर आपको चलना है, वहाँ पर मेरे को स्प्रे मिलेगा। अभी ये क्या है, ये मतलब ये क्या है, चलो देखते हैं अंदर इसमें क्या ही होता है। अबे भाई साहब ये क्या है, कोई होटल वगैरह लग रहा है। और वो देखो बूढ़ी दादी जी वो क्या कर रही है वहाँ पर। सो गाइस ये काफ़ी सस्ता होटल है, चलो देखते हैं ये क्या है भाई। अच्छा ये खाना वाना है क्या? हाँ गाइस खाना है, चलो 5 रुपया खा लेते हैं खाना, ज़्यादा का यूज़ मैं नहीं करना चाहता हूँ अपना डॉलर। अबे भाई साहब खा लिया क्या? अच्छा मेरा मोटापा बढ़ जाएगा, मेरा हेल्थ तो फुल है, पैसा जल्दी से दे देते हैं और यहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं। बट गाइस मोटापा बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा? चलो यार बाहर चलते हैं। अबे भाई साहब दिक्कत होगा, मेरा वेट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मैं गेट के ऊपर जो कूद रहा हूँ ना गेट के ऊपर, वो नहीं कर पाऊँगा, मतलब मेरे को ज़्यादा समय लग जाएगा। और वो देखो गाइस सामने मेरे को टैग दिख रही है। अभी ये क्या है, अच्छा जंप करना है। बट गाइस मैं वहाँ पर जाऊँ कैसे, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पर मेरे को सीढ़ी नहीं दिख रही है। चलो इधर चलते हैं, कोई दिखे तो सीढ़ी अच्छी बात है, बट यार इधर तो रोड है, इधर कौन सीढ़ी बनाएगा। चलो पीछे की तरफ चलते हैं, क्या पता पीछे सीढ़ी दिख जाए। एंड यार अच्छा इसके ऊपर से भी जाना है, मैं तो यार पिछली बार आई थिंक इधर से तो बाहर निकला था तो यार मैं इसको देखा नहीं था। बट कोई बात नहीं गाइस, पिछली बार वहाँ पर बेलास गैंग के मेंबर्स थे, मेरे को पीट कर पता नहीं कहाँ पहुँचा देते। और आई थिंक यही है, सीढ़ी नहीं है, सस्ता वाला सीढ़ी है। चलो इसके ऊपर चढ़ते हैं। अबे नहीं चढ़ रहा है, अच्छा इस साइड से चढ़ेगा।
चलो यहाँ से चढ़ जाते हैं, देखते हैं। ओ भाई सब चढ़ तो गया एंड अब अपन छत पर आ चुके हैं। एंड फाइनली गाइस मेरे को टैग मिल चुका है, और ये कौन सा नंबर वाला टैग है पहले छिड़क लेते हैं, तब पता लग जाएगा। अब यार ये मार क्यों नहीं रहा है, स्प्रे तो मार ले भाई। अच्छा, बैक करना है आई थिंक। यार मैं चिपक कर रहा हूँ ना, इसीलिए नहीं हो रहा है। चलो अब हो जाएगा फाइनली। चलो गाइस फाइनली हो चुका है। एंड यार गाइस मैं 6 टैग पर अपना स्प्रे कंप्लीट कर चुका हूँ। और ये देखो, मतलब कि यार ये बंदा आया है वही वाला गाड़ी लेकर जो स्वीट मेरा दोस्त है। यार गाड़ी तो अच्छा ले लेते, ये धुआं वाला गाड़ी, और इसका शीशा कैसे टूटा हुआ है। और इधर पुलिस है क्या भाई, पुलिस को तो गाड़ी लग रही है। बट गाइस कोई बात नहीं, आई थिंक यार मेरे को स्वीट के घर पर वापस जाना है। सो गाइस यहाँ पर मार्क लगा लेते हैं और फटाफट चलते हैं उसके घर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन वही बताएगा क्या करना है अपन को। लेकिन यार ये गाड़ी देखकर मेरे को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि भाई गाड़ी अभी इधर उधर में ठोका तो पता नहीं इसका हालत क्या होगा। मेरे को आराम से चलाना पड़ेगा गाड़ी को, क्योंकि घर तो काफ़ी करीब है, बट मेरे को फिर भी डर लग रहा है। और ये देखो पीछे का नंबर प्लेट कैसे उधिया गया है। अबे अबे भाई आराम से आराम से, चलो गाइस आराम से। यार वहाँ पर मेरे को दिख रहा है नेक्स्ट ब्लिप रेड वाला जो है। और यार मैं क्या सोच रहा हूँ, यहीं पर गाड़ी लगा देते हैं और वहाँ पर चलते हैं। ओके, कहीं साइड में यहाँ पर गाड़ी करते हैं और फटाफट। और भाई साहब वार्न दे रहा है, और फटाफट वहाँ से निकलते हैं। अबे तू भी तो आ जा भाई, वो पीछे क्यों छूट गया। अच्छा, मेरे को गाड़ी लेकर वहाँ पर जाना है, इसीलिए मेरा दोस्त वो आ नहीं रहा है। कब तक इतना मोटा हो गया, गाड़ी पर से भी नहीं उठ रहा है। मेरे को इसको गाड़ी लेकर जाना पड़ेगा, तब ये उतरेगा। और ये देखो गाइस गाड़ी का क्या हाल हुआ है, धुआं फेंक रहा है गाड़ी। बट देखते हैं क्या होता है, यहाँ से शॉर्टकट मारते हैं। अबे भाई साहब आराम से आराम से आराम से। कते गया क्या भाई, मेरा गाड़ी गया गया गया। अबे भाई साहब ये क्या हो गया, अबे उठ जा भाई उठ जा। अबे भाई साहब धुआं फेंकने लगा, लोल कते यार ब्लास्ट होगा, जल्दी से निकल जाए यार। चले आओ भाई साहब, ये क्या हो गया, मतलब भाई ऐसी की तैसी हो गई, स्वीट मारा गया। एंड गाइस हमारी मिशन फेल्ड हो गई है। बट यार ये देखो चक्का यहाँ पर आया मेरे पैर के पास। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरा बंदा तो मर गया जो मेरे को नेक्स्ट डेस्टिनेशन देने वाला था। आई थिंक यार चलो देखते हैं यार, वो स्वीट यहाँ पर लिख तो रहा है, वहाँ पर मैंने मार कर लिया। अब चलो चल के देखते हैं इसके गाड़ी के पास, या फिर उसका गाड़ी के पास आखिर उसमें हड्डी वड्डी बचा, या फिर पता नहीं हॉस्पिटल वॉस्पिटल कहीं जाने का लायक तो ठीक है। चलो पास में चलते हैं। अबे भाई साहब मेरे भी पिछवाड़े पर आग पकड़ ली, ये क्या हो गया, लोल अबे कोई तो पिछवाड़े से मेरी आग हटा है। ये देखो ये भी बस्टेड हो गया, मतलब कि गाइस ये टपक गया। आप देखते हैं, ओ भाई साहब इसका ट्रीटमेंट भी हो गया लोकल मेडिकल सेंटर पर, वाह भाई। कहते यार बट यार स्वीट तो बंदा मर चुका है, लेकिन आई थिंक वो घर पर मिल जाएगा। और यार ये काफ़ी खतरनाक वाला लग रहा है, देखो गाइस पीछे का क्या ही लुक है। अब ये क्या बकबकाने लगे, ये देखो काउंटी जनरल। वैसे यार मेरे को यहाँ पर लाया कौन। और यार गाइस मेरी डॉलर कट चुकी थी, आप लोग देखे अभी, रुको मैं दिखा रहा हूँ। पहले यार मैं सोच रहा हूँ यार मैं अपना एक घर ले लूँ, वो जो दिख रहा है प्रॉपर्टी फॉर सेल ग्रीन वाला है, वहाँ पर चलो मार्क लगाते हैं और फटफट चलते हैं। वैसे मेरे को पता है मेरे पास उतना पैसा नहीं है, बट यार देख लेते हैं कि आखिर कितना डॉलर का है वो। और मेरे पास फिलहाल में 83 डॉलर ही बचा है, और मेरे को और ज़्यादा मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा यार, तभी मेरे को डॉलर मिलेगा। कहीं यार तगड़ा वाला हाथ पड़ जाए तो मज़ा आ जाएगा, और तगड़ा वाला डॉलर मिल जाएगा। वैसे यार ये गाइस ये करीब है, यहाँ से मैं पैदल ही जा सकता हूँ। वो भाई साहब वो बाइक लगाया था, बट यार बाइक को छोड़ो मैं पैदल ही निकलूँगा। एंड यार मेरे ख्याल से अब आ ही गया, हाँ भाई वहाँ पर है, देखिए आप लोग वो जो ग्रीन दिखा रहा है ना वही है। तो चलो गाइस फटाफट वहाँ पर चलते हैं। यार ये बंदा पता नहीं क्या ही चिल्ला रहा है, जिन मैं टकरा रहा हूँ। और भाई साहब पुलिस की साउंड क्यों आ रही है, कहते हैं यहाँ पर मार वार वाली जगह होगी, फिर मैं नहीं लूँगा भाई। अभी इसका दाम तो देखो गाइस, मैंने देखा नहीं। ओ भाई साहब $10,000, मतलब कि भाई $10,000, और मेरे पास है $83। और यार अंदर जा भी नहीं रहा कि मैं देखूँ रूम को, क्या पता इस साइड चला जाए। चलो यार इस साइड चलते हैं। ओ भाई साहब इधर भी नहीं जा रहा है, मतलब कि गाइस मैं बिना देखे कैसे घर को खरीद सकता हूँ, पहले देखना पड़ेगा ना। मेरे को तो लगा रहा है ये बाथरूम है, घर नहीं है। आई थिंक मेरे को दोनों मिलेगा अगर खरीद लूँगा तो, बट यार मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो यार यहाँ से निकलते हैं भाई, यहाँ पर हमारे अपना कोई काम नहीं है, बाद में पैसा मिलेगा तो देख लेंगे। एंड यार चलो अब चलते हैं स्वीट के पास, वहाँ पर नीचे स्वीट है ना उसके पास चलते हैं। नेक्स्ट अपना मिशन का डेस्टिनेशन वही देगा, और यहाँ पर गाड़ी भी रखा हुआ है, तो फटाफट गाड़ी में बैठ जाते हैं। पता नहीं किसका गाड़ी है, बट यार अपन को गाड़ी चुराने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं आपको बता दूँ। और यार फटाफट चलते हैं, इस बार तो मैं आराम से चलाऊँगा, क्योंकि गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा गाड़ी ठोक रहा हूँ, और ठोकने की वजह से मेरा गाड़ी ब्लास्ट हो जा रहा है, इस वजह से मैं पिट जा रहा हूँ। और ये देखो वैसे इंसान को तो चलता है, आराम से चलाते हैं। अब यार कितना सस्ता पोल बनाया है,
ओ भाई साहब, हमें मतलब कि गाइस में ठोक दिया पुलिस पर और वन स्टार की पुलिस मेरे पीछे लग गई। और ये कौन है भाई? ये तो बिलास गैंग वाले लगते हैं, फटाफट यहाँ से निकल जाते हैं, नहीं तो बिलास गैंग वालों को मैं पूरा कुचल दिया, वो छोड़ेंगे नहीं। और यार इतना मतलब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ऊपर से वन स्टार की पुलिस मेरे पीछे लग गई है और मैं इतना ज़्यादा ठोके जा रहा हूँ। अब यार ये कहाँ फंस गया? चल जा भाई। अब ये लड़की मेरे पास क्यों आ रही है? इसका मैं क्या बिगाड़ा हूँ? लो ले यार, उसको भी उठिया डाला। फाइनली गाइस फटाफट यहाँ से चलते हैं गली में, यहाँ पर घुसते हैं, क्या पता यहाँ से बच जाएंगे, जान बची तो लाखों पाएँ। सो गाइस फाइनली हम लोग बच चुके हैं, हमारे ऊपर से स्टार हट चुकी है पुलिस की जो थी। और यार इस बार मैं तगड़ा वाला गाड़ी आराम से चला कर लेकर आया हूँ, फिर भी धुआं फेंक दिया, देख लो गाइस। मतलब कि यार क्या ही बताओगे, कितना भी आराम से चलाता हूँ तभी भी ठुकी जाती है, क्योंकि इसकी कंट्रोल सी ऐसी है, बट थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए। और ये देखो मैंने ट्रैफिक की पोल ही उधिया डाला और ये पीला पीला गाड़ी मेरे को ओनली दिख रही है। मतलब सबसे गरीब गाड़ी मेरी है, मैं आपको बता दूं। वैसे यार इसमें तो सारी गाड़ी गरीब मिल रही है। अब यार ये क्या हो गया? ब्रेक मार ले भाई, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब यार इतना ऊपर से गिरा और धुआं फेंकने लगा, धुआं क्या पूरा आग ही फेंकने लगा। जल्दी भाग जाओ यहाँ से कत्तई भाई। फाइनली यहाँ पर हम लोग बच चुके हैं। और यार मेरी हेल्थ तो देखो, मतलब कि 75% मेरा हेल्थ ओनली बचा है, 25% चला गया है। अब मेरे को लगता है गाइस मेरे को काफ़ी ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी। मैं एक ही गलती कर रहा हूँ, गाड़ी बार बार ठोक रहा हूँ, जो मेरे को नहीं करनी चाहिए। तो अब हमको अच्छा से गाड़ी चलानी पड़ेगी कि नहीं ठुके, नहीं तो भाई हमेशा मैं बस्टेड होता रहूँगा। सो गाइस फाइनली यार हम लोग अपने घर पर आ चुके हैं, अपने घर पर बोला या फिर स्वीट के घर पर। वैसे यार ये तो घर मेरा ही है। और गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पर करीब में एक और घर है जो कि बेचने लायक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको भी देखूँगा। क्या पता हम लोग के पास डॉलर आ जाए, तो फटाफट हम लोग दोनों घर में से किसी एक घर को ले लेंगे, जो भी बेहतरीन होगा। तो चलो भाई चलते हैं वहाँ पर। सो गाइस फाइनली हम उसके काफ़ी करीब आ चुके हैं उस घर के। एंड यार ये काफ़ी कोना में घर है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अंदर चल के। पहले इसकी प्राइस देखते हैं। और यहाँ पर भी मैंने पोल को तोड़ डाला। इसकी प्राइस भाई साहब, इसकी भी प्राइस $10,000 है। इसको आपको मैं पीछे दिखाऊंगा। वैसे यार ये बाथरूम जितना छोटा मेरे को लग रहा है, ये घर भी है या फिर बाथरूम है? मेरे को तो लग रहा है दोनों लेना पड़ेगा, इसको बाथरूम के लिए यूज़ करने के लिए। मतलब मेरे को जब भी टट्टी लगेगी मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ओके एंड यार ये पुलिस क्यों लगी है? चलो यार ये बाथरूम के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि यार पुलिस के एरिया में रहना बेकार ही रहेगा। देखो यार कैसे टहल रहा है, और इसके अंदर भी नहीं जा सकते अपन। तो भाई अब हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमारे पास जब तक डॉलर ना हो ज़्यादा तब तक यहाँ पर हम आएंगे नहीं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये गेम प्ले आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना। एंड यार जो भाई लोग चैनल में नहीं आते और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी इसमें काफ़ी हिडन प्लेसेस है जो कि यार मेरे को भी नहीं पता है, उसको भी आप उन देखेंगे जानेंगे। ओके गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय गाइस।